और इस बीच आपको झारखंड राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, झारखंड में देखे हेमंता बिस्व शर्मा असम के सीएम पहुंचे हुए हैं और वो आज पाकुड़ जा रहे थे, जिन्हें पाकुड़ जाने से रोक दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा को पाकुड़ जाने से रोक दिया गया है। दरअसल वो देवघर से पाकुड़ जा रहे थे। झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी है हेमंता बिस्व शर्मा और दो दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। आज उनका जो कार्यक्रम था वो देवघर से पाकुड़ जाने का था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया है। जिला प्रशासन ने पाकुड़ जाने से हेमंता बिस्व शर्मा को रोका है, जिसके बाद से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उसमें नाराजगी देखने को मिल रही है। आप बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी काफी तेज हो गई है। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला झारखंड में जारी है और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा आज पाकुड़ जा रहे थे, जिन्हें प्रशासन की टीम ने रोक दिया है। के तौर पर यह सरकार की दादागिरी है, जो यह दर्शाता है कि हमारे जो चुनाव प्रभारी हैं और जिस प्रकार इस राज्य में एक्टिव हैं, उनसे यह सरकार डर गई है। सदन की अपनी गरिमा है, सदन की अपनी व्यवस्था है, सदन के अपने नियम कानून कायदे हैं। जब सदन को माननीय अध्यक्ष महोदय ने एडजॉर्न कर दिया, उसके बाद सदन में इस तरह से अनावश्यक रूप से सदन के अंदर बैठे रहना, जमे रहना और इस तरह का राजनीतिक प्रपंच रचना, मैं समझता हूँ ये कहीं भी उचित नहीं है। जब नेता सदन ने ये कहा कि हम विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे और पक्ष विपक्ष मिलकर चलाएंगे, इसके बावजूद भी इस तरीके से इन्होंने सदन की गरिमा को तार तार किया है, इसके लिए झारखंड की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। पाकुड़ में हेमंता बिस्व शर्मा को रोका गया, संथाल दौरे में आ रहे, संथाल दौरे पे हेमंता बिस्व शर्मा आ रहे थे, उनको पाकुड़ में रोक दिया गया। अब देखिए, ये विषय मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन बिस्व शर्मा जी को आपके माध्यम से जरूर कहूंगा, बड़े भाई हैं। अरे, असम में बाढ़ उड़ाई हुई है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उनको चुनी हुई सरकार है, कम से कम जाएं पहले वहां की जो बीबीसी का है, बाढ़ है, उससे लोगों को निजात दें, फिर आइएगा, हम लोग कुश्ती करने के लिए तैयार हैं।